हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ अपने गार्डन की तरफ। और आज देखिए, मैं बताती हूँ क्या आपको बताने वाली हूँ, क्या गुड न्यूज़ है वो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरी गली में आए हुए हैं आज अंकल जी, और अंकल जी अपना रिक्शा लेकर के आए हुए हैं। तो आज जो प्लांट लेके आए हैं, ये मोस्टली सारे प्लांट मेरे पास हैं, बट इसमें कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो मेरे पास ना हो। मेरे पास तो काफ़ी बड़ा मैंने अपना गार्डन खड़ा किया हुआ है, बस एक एक प्लांट से चार चार, क्या मैं गली में भी सबको दे देती हूँ। तो यहाँ मैंने अंकल जी से लिए हैं एक लेमन ग्रास का प्लांट और दो नीम खली के पैकेट। तो अंकल जी बहुत महंगा बता रहे थे, जबकि ये नीम खली का पैकेट इन्होंने 80 रुपीज़ से कम ही नहीं कर रहे थे। पहले तो बताया 200 रुपये का, जैसे इसमें रेट पड़े हुए हैं ना 235 रुपये, बट ऐसा नहीं है। तो कहने लगे 200 का है, देखो ये मैं आपको 200 को दे सकता हूँ। मैंने कि आप बहुत महंगा बता रहे थे। कहने लगे 80 रुपीज़ दे दो फिर। और ये लेमन ग्रास का, मैंने कि ये कितने का है, कि ये भी आपको 80 रुपीज़ का ही मिलेगा। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कि आपने बहुत महंगा बता रहे, हेल्दी भी नहीं है आपका प्लांट, तो मुझे, मैं इसके पैसे दे सकती हूँ सिर्फ 50 रुपीज़ एक लेमन ग्रास के और दो हमारे जो नीम खली पैकेट हैं, तो इनके तीनों के मिला के मैं आपको 150 रुपीज़ दूंगी। अगर आपको देना हो तो दे दो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मुझे आज इतना ज़रूरी भी नहीं है। तो यहाँ देखिए, मेरा एक गमले का प्लांट सूख चुका था, तो मैंने इसमें प्लांट हटवा के और ये मिट्टी तैयार करवा रही हूँ। पहले तो हमारी सॉइल वैसे भी सारे इसमें तमाम फर्टिलाइजर वगैरह मिली हुई होती हैं, बट मैंने एक पैकेट इसमें नीम खली का डलवा दिया। और उसके बाद मैं ये देखिए मिट्टी मैं तैयार कर रही हूँ सॉइल अपनी। अब ये सारी सॉइल मैं इसमें भर दे रही हूँ। मैंने अंकल से बोला आराम से इसको आप भर दो और इसी में अपना ये लेमन ग्रास हमारा प्लांट लगा दो। तो अंकल जी, ये माली अंकल हैं हमारे, तो पहले जो माली अंकल आया करते थे ना, वो एक्सपायर हो गए हैं, ये दूसरे वाले हैं। एक और आते हैं हमारे यहाँ, 3 माली अंकल आते हैं। तो ये जो है ना प्लांट, मैं देखो इसमें लगवा दे रही हूँ लेमन ग्रास का, ये रख कर के बाद में हेल्दी हो जाएगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी कैसा ही प्लांट अगर आ जाता है तो उसको मैं इतनी केयर करती हूँ उसकी, जो वो हेल्दी हो जाता है। तो ये देखिए, ये इसका मैं आगे चल के आपको अपडेट दूंगी कि ये कैसा बना, कितना हेल्दी हुआ। तो लेमन ग्रास वैसे बहुत अच्छा होता है, इसमें बहुत मस्त खुशबू आती है। इससे अगर आप चाय बना के पियेंगे डेली, तो आपका ये वेट जो है ना, जितना थुलथुल वाला वेट होता है ना, वो लूज जाएगा। तो और यहाँ जो है, मैं आपको एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। तो यहाँ मैं क्या गुड न्यूज़ देने वाली हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज मेरे जितने भी YT फ्रेंड हैं, जितने भी यूट्यूबर फ्रेंड हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उन सभी को अपने तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्यों करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ, यहाँ तक आई हूँ, आज मेरे को पता है 2 ईयर हो चुके हैं YT पर आए हुए। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ अपने सभी फ्रेंड की वजह से, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। मुझे सभी फ्रेंड ने बहुत बहुत सपोर्ट किया, और उसमें हमारे बहुत से फ्रेंड ऐसे हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तो ये देख लिए, ये गुड न्यूज़ हमारा है। ये मेरा गूगल पिन आ चुका है, वो भी आप सभी फ्रेंड की सपोर्ट की वजह से। और ये हमारा ये विजोरा नींबू का है प्लांट, तो इसमें ये करीब 3-4 नींबू हमारे पक चुके थे, तो मैं ये दो तोड़ रही हूँ, और इतना मैं भूल गई कि हाथ में अपना पिन लिए ही हुई हूँ। तो वो जो है ना, सपोर्ट से ऐसे करके मैं अपने ये प्लांट से तोड़ रही हूँ। तो दो तो मैंने तोड़े हैं, और ऊपर में एक ये लगा हुआ है, क्योंकि मंकी आते हैं, मंकी तो खुद ही तोड़ के फेंक देते हैं, कुछ खाते हैं कुछ फेंकते हैं, क्योंकि खट्टा इतना होता है तो फेंक देते हैं वो। तो आज जो है ना पिन जो आया है, या हमारे कुछ बेस्ट फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, और वो हमारे दिल के करीब हैं, रहते हैं एनी टाइम। अच्छा, बाकी जितने हमारे फ्रेंड हैं, यूट्यूबर फ्रेंड हैं, YT फ्रेंड हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलूँगी आपके साथ नई वीडियो के साथ।